नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। कांग्रेस आज पूरे देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तेजस्वी यादव द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप पर भी उन्होंने पलटवार किया। देखिए है क्या, कांग्रेस के पास अब इस देश में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। या तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, या अगर उससे समय बचता है तो भारत सरकार के एजेंसियों पर उंगली उठाने का काम करती है। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने सेना पर उंगली नहीं उठाया क्या, जब पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी कांग्रेस ने आवाज उठाया कि सेना गलत बोल रही है। तो जो कांग्रेस इस देश के सेना तक पर उंगली उठाती हो, उस कांग्रेस का नैतिक पतन कितना हो गया है आप सोच सकते हैं। और अब कोई मुद्दा नहीं है तो ईडी के ऑफिस पर जा करके कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ लोगों को बचाने की आवश्यकता है। तो कुछ उनको आभास तो मिल गया है, आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। कांग्रेस आज पूरे देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तेजस्वी यादव द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप पर भी उन्होंने पलटवार किया। देखिए है क्या, कांग्रेस के पास अब इस देश में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। या तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, या अगर उससे समय बचता है तो भारत सरकार के एजेंसियों पर उंगली उठाने का काम करती है। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने सेना पर उंगली नहीं उठाया क्या, जब पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी कांग्रेस ने आवाज उठाया कि सेना गलत बोल रही है। तो जो कांग्रेस इस देश के सेना तक पर उंगली उठाती हो, उस कांग्रेस का नैतिक पतन कितना हो गया है आप सोच सकते हैं। और अब कोई मुद्दा नहीं है तो ईडी के ऑफिस पर जा करके कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ लोगों को बचाने की आवश्यकता है। तो कुछ उनको आभास तो मिल गया है, आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। कांग्रेस आज पूरे देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तेजस्वी यादव द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप पर भी उन्होंने पलटवार किया। देखिए है क्या, कांग्रेस के पास अब इस देश में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। या तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, या अगर उससे समय बचता है तो भारत सरकार के एजेंसियों पर उंगली उठाने का काम करती है। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने सेना पर उंगली नहीं उठाया क्या, जब पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी कांग्रेस ने आवाज उठाया कि सेना गलत बोल रही है। तो जो कांग्रेस इस देश के सेना तक पर उंगली उठाती हो, उस कांग्रेस का नैतिक पतन कितना हो गया है आप सोच सकते हैं। और अब कोई मुद्दा नहीं है तो ईडी के ऑफिस पर जा करके कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ लोगों को बचाने की आवश्यकता है। तो कुछ उनको आभास तो मिल गया है, आगे देखिए होता है क्या।